चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक जनता ने परिवारवाद के चंगुल में फंसी पार्टियों से किनारा कर लिया, जो बीजेपी की जीत का बड़ा कारण साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान जीत के फौरन बाद गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए दिया। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। अपने पिता की सियासी विरासत संभाल रहे अखिलेश यादव पर बीजेपी ने परिवारवाद के लिए कई बार हमले बोले। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका नहीं चूका। परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। 5 राज्यों के नतीजों में परिवारवाद की फांस केवल समाजवादी पार्टी को ही नहीं चुभी बल्कि राहुल और प्रियंका की अगुवाई वाली कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो करारी हार मिली ही, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। यही हाल बादल परिवार के अकाली दल का भी हुआ। न प्रकाश सिंह बादल अपनी सीट बचा पाए, न ही सुखबीर सिंह बादल। यहां तक कि सुखबीर सिंह बादल की पत्नी के भाई बिक्रम मजीठिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए।